बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, इसी तरह क्वालिटेटिव का मतलब क्या है। जो वर्ड क्वांटिटेटिव है, इसका ओरिजिन वर्ड क्वांटिटी है, क्वांटिटी जिसका मतलब है मकदार, तादाद, नाप तोल वगैरह। इसी तरह क्वालिटी जो वर्ड है, इसका ओरिजिन वर्ड क्वालिटी है, क्वालिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गहरा, मयार, काबिलियत, खूबी वगैरह। अब जब हम रिसर्च में इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं तो वहां भी जो इनके मतलब हैं क्वालिटी, क्वांटिटी, ये इसी तरह रिसर्च में भी इनके मतलब ऐसे ही लिए जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो कैसे काम करती है और क्या है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो भी डाटा इकट्ठा किया जाता है वो न्यूमेरिकल डाटा होता है, वो नंबर्स हो सकते हैं, वो डिजिट्स हो सकते हैं। और इसमें खास बात ये कि रिसर्चर की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, वो कोई भी डाटा किसी को चेंज नहीं कर सकता है, जैसे है वैसे ही वो आगे दिखाएगा। क्यों? कि वो जो नंबर्स होंगे, वो डिजिट्स होंगे, वो कांस्टेंट होंगे, उसको वो चेंज नहीं कर सकता। ये बात तो हमें पता चल गई कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो डाटा इकट्ठा किया जाता है वो न्यूमेरिकल डाटा होता है, वो डिजिट्स हो सकते हैं, वो नंबर्स हो सकते हैं। अब हमने देखना ये है कि वो डाटा कहाँ से इकट्ठा करना है, वो सोर्सेज कौन से हैं। तो इसमें इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं, चंद मैंने यहाँ नोट किए हैं। जो सबसे पहला सोर्स है वो है, जो हमने नोट किया है वो है क्वेश्चनेयर और सर्वे मेथड। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये पूछते हैं कि आप जहाँ से खुद स्टडी करते हैं उसका रेफरेंस भी दिया करें, जहाँ से आप लेक्चर तैयार करके यहाँ डिलीवर करते हैं तो वो उस बुक का नाम भी हमें बताएं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कोई ऐसी बुक नहीं है जहाँ से मैं स्टडी करने के बाद लेक्चर डिलीवर करता हूँ, बल्कि हमने क्या किया है, हमारे जो वीडियो लेक्चर हैं उसको हमने किताब की शक्ल दी हुई है। और उस किताब का नाम है, यही हमारे जो चैनल का नाम है वही नाम है, ITL It's Time to Learn। और इस नाम से ये बुक है। अगर आप ये बुक मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप इस बुक को मंगवा सकते हैं। इस बुक को मंगवाने का तरीका मैं लास्ट पे एक इमेज शेयर कर दूंगा, जहां मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा और उस पर रब्ता करके आप ये बुक मंगवा सकते हैं। अब हम देख रहे थे कि जो हमारा जो पहला मेथड है डाटा कलेक्शन का क्वांटिटेटिव रिसर्च में, वो है क्वेश्चनेयर, या इसको हम सर्वे भी कह सकते हैं। क्वेश्चनेयर में मुख्तलिफ लोगों से सवालात के जवाबात लिए जाते हैं। पहले क्वेश्चनेयर सेट किया जाता है, क्वेश्चन सेट किए जाते हैं कि हमने ये वाले क्वेश्चन लोगों से पूछने हैं, और उसके बाद एनालाइज किया जाता है कि 20 लोगों ने इसका जवाब यस में दिया, 25 लोगों ने इसका जवाब नो में दिया, और इतने लोग थे उन्होंने 30 थे, 40 थे, उन्होंने इसका कोई रिस्पांस नहीं दिया, उन्होंने कोई जवाब दिया ही नहीं। और इसमें जो डाटा असल होता है वो भी न्यूमेरिकल डाटा असल होता है। जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा हासिल होगा तो वो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी, इसलिए क्वेश्चनेयर को भी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं। इसके बाद ऑब्जर्वेशन, जो हमारे हम नंबर 2 पे लिखा है ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या है? मुशाहिदा करना। मुशाहिदा कैसे किया जाता है? और ये भी क्वांटिटेटिव रिसर्च है। देखें, अगर मैं एक पुल पे खड़ा हो जाता हूँ या फिर किसी सड़क के किनारे खड़ा हो जाता हूँ और वहाँ मुझे ये बताया जाता है कि आपने देखना है, एक मुशाहिदा करना है कि एक घंटे में इस पुल के ऊपर से कितनी गाड़ियाँ गुजरेंगी, कितने बाइक गुजरेंगे, कितनी कारें गुजरेंगी। तो बाद में जब मैं डाटा हासिल कर लूँगा तो करने के बाद मैं अपनी रिपोर्ट पेश करूँगा, उस रिपोर्ट में मैं लिखूँगा, एनालाइज करूँगा कि इस पुल के ऊपर से 40 गाड़ियाँ, 40 कारें गुजर गई एक घंटे के अंदर, 50 बाइक गुजर गए, 20 बसें गुजर गई। अच्छा, अब ये जो हमने डाटा हासिल किया ऑब्जर्वेशन के थ्रू, और ये डाटा भी कौन सा डाटा हुआ? ये भी न्यूमेरिकल डाटा था और ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में आता है। इसी तरह फिर नंबर 3 है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा की बेशुमार टाइप्स हैं। सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
अच्छा, सेकेंडरी डाटा में क्या है? इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनकी रिपोर्ट्स हैं, इकोनॉमिक सर्वे है, और इसी तरह मुख्तलिफ कंपनियों की प्रोडक्शन है कि पिछले 5 साल में इस कंपनी की प्रोडक्शन कैसी रही, पिछले 10 साल में इस कंपनी की सेल्स कैसी रही। ये तमाम चीज़ें किस में डिस्कस की जाती हैं? सेकेंडरी डाटा में। और ये चीज़ भी कहाँ पर आती है? क्वान्टिटेटिव रिसर्च में। अब इसके बाद हमने देखना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। क्वालिटेटिव रिसर्च भी उसी तरह की रिसर्च है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि हम यहाँ क्या करते थे, हमने यहाँ सर्वे किया, क्वेश्चनेयर बनाया और उसके बाद लोगों से क्वेश्चंस किए, उसके जवाब लिए। तो हमने सिर्फ यहाँ क्या देखा कि 20 लोगों ने, हम फर्ज करते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या थे। हमारा क्वेश्चन था कि पाकिस्तान के अंदर जो मुल्की हालात हैं वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो उसमें 40 लोगों ने हाँ में जवाब दे दिया, और 20 ने जवाब दे दिया ना, और 30 ने जवाब दे दिया, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ये हमारा क्या था? क्वांटिटेटिव रिसर्च था। अब यही चीज़ जब हम क्वालिटेटिव में डिस्कस करेंगे तो कैसे करेंगे कि जो 20 लोग थे उन्होंने नो क्यों कहा? या जो मेन फर्क है, जो बड़ा फर्क है, वो क्या है कि इसमें वाई को यूज़ किया जाता है। वाई सिर्फ इसमें इस वर्ड को यूज़ किया जाता है कि जो 20 लोग थे उन्होंने नो क्यों कहा। फिर इसी तरह जो 40 थे उन्होंने यस क्यों कहा, उसके पीछे क्या रीज़न थी। फिर इसी तरह जिन लोगों ने कोई रिस्पांस नहीं दिया उन्होंने क्यों रिस्पांस नहीं दिया। वाई, या जब भी हम वाई का वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब है ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। इसी तरह नंबर 2 पे देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन है। हमने ऑब्जर्व किया कि इस पुल के ऊपर से 20 कारें गुजर गई, तो हम जब क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि 1 घंटे के अंदर जो हमने टाइम सेट किया हुआ था कि यहाँ से 20 कारें क्यों गुजरी, क्या वजह हुई कि 30 नहीं गुजरी, क्या वजह हुई कि वो 40 नहीं गुजरी या फिर 10 नहीं गुजरी। या फिर जब हम वाई का वर्ड यूज़ करेंगे कि वाई क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ। फिर इसी तरह बाइक, 40 या 50 जो बाइक हमने बताया कि 50 बाइक यहाँ से गुजर गए, तो 50 क्यों गुजरे, कम क्यों नहीं गुजरे, ज़्यादा क्यों नहीं गुजरे। तो सीधी सी बात यह है कि जब भी हम वाई का वर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम कौन सी रिसर्च कर रहे हैं, हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं। इसी तरह सेकेंडरी डाटा में भी जब हम वाई का वर्ड यूज़ करेंगे तो वहाँ क्या होगा, वो क्वालिटेटिव रिसर्च होगी। जब हमने बात की कि इस पुल के ऊपर से 20 कारें गुजर गई तो ये क्वांटिटेटिव हो गया। जब हम कहेंगे कि 20 कारें क्यों गुजरी तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी। ये इन दोनों में मेन फर्क है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।